नमस्कार। नमस्ते। आज हम बात करेंगे डेंगू पे। बेसिकली जो ये आजकल दिन है, ये डेंगू के दिन है। मैं बार बार इन चीज़ों पे इसलिए जाता हूँ क्योंकि ये आज से साल पहले भी हमने बात की थी। बेसिकली डॉक्टर साहब, हमने तो अभी देखा है एक पेशेंट की डेथ भी हुई है। जो पेशेंट अभी दो चार घंटे हम उसको जोर लगा सके, लेकिन हमारे पास चारा नहीं चला। बेसिकली ये क्या होता है, डेंगू फीवर जो है वो एक बहुत ख़तरनाक फीवर नहीं है, लेकिन हम उसको ख़तरनाक खुद बना देते हैं, जिसमें पेशेंट धीरे धीरे या डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी हो जाती है, या फिर फ्लूड ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को डेथ भी हो जाती है। इसमें सेल कम होने से भी डेथ नहीं इतनी होती जितनी कि उसके ट्रीटमेंट में कोई कमियाँ आने से, या ट्रीटमेंट को गलत तरीके से लेने से, या पेशेंट ने खुद ना प्रवाह करने से ये प्रॉब्लमें आती हैं। जो कि हमें बड़ा दुख लगता है, ये छोटी सी बीमारी में मेरी की जान चला गई। सो इसके लिए हमारे डॉक्टर किरण जी हैं, एमडी मेडिसिन पीजीआई से। तो डॉक्टर साहब, इनमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या सिम्टम है जो हमें डेंगू हो सकता है? ये जो सर ने कहा अभी, डेंगू फीवर जो कहते हैं वो एक वायरस के कारण होता है वो जो, और ये डेंगू फीवर फैलने की जो मेन कारण होते हैं एडिसी जप्टी करके एक मच्छर होती है। ये मच्छर ये बरसात के मौसम में होता है, जैसे बारिश आ गया और जैसे फ्रेश पानी इकट्ठा होता है, कहीं आपके पुराना टायर घर पे पड़ा हो या कोई ऐसे घर की जो खाने बनाने की कोई इसके अंदर बर्तन के अंदर, तो उसके अंदर ये फैल जाता है। ये गंदे पानी में नहीं ये फैल होता है, ये जो बरसात के बाद के पानी में ये मल्टीप्लाई होता है। और इसी सीज़न के बाद बारिश जब शुरू होता है उसके बाद ऑलमोस्ट दो तीन हफ्ते के बाद शुरू हो जाता है डेंगू फीवर। तो इसकी प्रिवेंशन की मेन काम आप जो कर सकते हैं, घर के सराउंडिंग्स के ध्यान देना है, जो पुराना टायर और जो भी चीज़ों में आप पानी इकट्ठा होने के चांस है उसको सारा साफ़ कर लेना और उस कॉम्पाउंड से निकालना चाहिए। आप सिर्फ आपके घर से नहीं, आपके जो सामने वाला एरिया में भी ये सारा उस पर छत में या आपका कोई खुला हुआ है पानी की कंटेनर में, इससे इसमें से पानी इकट्ठा होने से आप ध्यान देना चाहिए इसे प्रिवेंशन के लिए। और जहाँ पे भी ये मच्छर ज़्यादातर दिन के टाइम पे काटता है, और जितना हो सकता है पूरा फुल स्लीव कपड़ा पहनने के लिए कोशिश करना, और कोई ओडोमोस या इस तरफ की रेपेलेंट शरीर में लेपन यूज़ करने के लिए कोशिश करो दिन के टाइम पे, तो इससे ही प्रिवेंशन हो जाता है। और बाकी जो डेंगू फीवर के बारे में बोले, ये तीन तरीके होते हैं या तीन तरीके की सीवियरिटी होती है उसमें। जो सिंपल डेंगू फीवर होता है उसमें क्या होता है, इनिशियल फीवर आता है दो तीन दिन की, और उसके बाद सेल धीरे धीरे कट होना शुरू होता है, कभी शरीर में रैशेस हो जाता है, घुटनों में दर्द रहता है, और ये ऑलमोस्ट 7 दिन के अंदर ये ठीक भी हो जाता है अपने आप। उसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कहते हैं, जो पेशेंट बुखार लेके आए उसको भी बुखार की दवाई दो, अगर थोड़ा डिहाइड्रेटेड है उसका फ्लूइड दो, यही इसकी मेन सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है। कोई एंटीबायोटिक और इसकी ज़रूरत नहीं है डेंगू फीवर अगर कन्फर्म हो गया तो। बाकी ये जो दो सीवियर जिसमें डेथ होने की मेन कारण है, डेंगू हेमरेजिक फीवर होता है, तो उसमें हर जगह से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है, कभी उसमें सेल काफ़ी गिर जाता है 50,000, 20,000, 10,000, कभी 30,000, 40,000 का सेल काउंट के साथ भी, प्लेटलेट काउंट जो कहते हैं उसके साथ भी ब्लीडिंग हो जाता है। ब्लीडिंग कभी नाक से होता है, कभी लैटरन से होता है या काला लैटरन आता है, कभी आंत से अंदर से ब्लीडिंग हो जाता है या सिर के अंदर ब्लीडिंग हो जाता है। ये काफ़ी ख़तरनाक होता है और ये डेथ के लिए कारण हो जाता है। बाकी एक जो कारण है इसकी डेंगू में डेथ होने की, ये है डेंगू शॉक सिंड्रोम कहते हैं उसको। क्यों कहते हैं, डेंगू के फीवर के टाइम पे ये जो हमारा रक्त धमनी है, ब्लड वेसल जो कहता है, उससे लीक होता है पानी, उससे लीक होके ये आपके फेफड़ों के सामने, पेट के अंदर, हर जगह पानी जमना शुरू हो जाता है, और शरीर के अंदर पानी, जो नस के अंदर पानी कम रह जाता है, फिर पेशेंट का बीपी कम होना शुरू हो जाता है उसकी, इसकी वजह से पेशेंट को लिवर में दिक्कत आ जाती है, किडनी फंक्शन कम हो जाती है और हार्ट फेलियर में चले जाता है पेशेंट, फिर ऐसे ही काम खराब हो जाता है पेशेंट का, वेंटिलेटर का भी लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है, फिर डायलिसिस में चले जाते हैं। तो ये है कि इसको अवॉइड करने के लिए एक ही तरीके है कि पेशेंट को पहले से ही, अगर बीमारी कंफर्म हो जाता है, हॉस्पिटल में या एक ट्रेन बंदा से ध्यान में रहना चाहिए, मॉनिटरिंग जो कहती है उसके हिसाब से
पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से हमें आईवी फ्लूड देना है, बाकी फीवर को कंट्रोल करने की दवाई देनी है। ज़्यादातर है इसमें मॉनिटरिंग है मेन चीज़ जो हमें करना होता है डेंगू में, इसकी कॉम्प्लिकेशन को अवॉइड करने के लिए। क्योंकि अक्सर ये ना लोग आम मेरे प्लेटलेट सेल लोगों को पता ही नहीं है भाई, सेल और भी रीज़न होते हैं, कईयों के लीवर में कोई काम नहीं करता है या कम काम करता है उसकी वजह से भी सेल कम हो जाते हैं, कईयों को वैसे कोई और कोई डिजीज़ है तब भी सेल कम कम हो जाते हैं, कईयों के परमानेंट कम सेल रहते हैं। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है भी सेल कम हो गए तो बहुत बड़ी बीमारी होगी आपको, जो बुखार नहीं आ रहा तो कोई मेरे ख्याल टेंशन वाली बात नहीं है, कहीं सर यूजुअली इसका हाँ। बुखार जो आता है इनिशियली शुरुआत में 3 से 4 दिन तक बुखार रहता है, और ये 3 दिन से लेके 5-6 दिन लग मान लो 7 दिन, ये 4 दिन काफ़ी क्रिटिकल पीरियड होता है, और जो मैक्सिमम कॉम्प्लिकेशन ये बुखार हटने के बाद शुरू हो जाता है, या सेल कम हो के बुखार आना, या आपको जो मैंने बोला हेमरेजिक फीवर, शॉक, शॉक मतलब बीपी बहुत कम होने स्थिति, ये सारा ये लास्ट 3-4 दिन होते हैं बुखार उतरने के बाद, ये काफ़ी क्रिटिकल टाइम होता है। और इसके मतलब है कि आप बुखार आ गया, ये सबसे प्रॉब्लम बुखार नहीं है, बुखार तो हम इलाज कर सकते हैं इजीली, बट जो कॉम्प्लिकेशन है उसको ध्यान से ही मॉनिटर करने से ही पता चलेगा। हाँ और अदरवाइज हाँ बिल्कुल, जिसको बुखार नहीं आ रहा है प्लेटलेट उसके मतलब 3 दिन से बुखार नहीं आया, प्लेटलेट उसके कम है, प्रॉब्लम उसको कोई नहीं है, खाना ठीक कर रहा है, तो टेंशन वाली बात नहीं है, डेंगू उसको होके हटा, कोई घबराने वाली बात नहीं, चाहे उसके सेल 20,000 भी हैं क्या नहीं सर। हाँ जी हाँ उसको सिंपल बुखार की टेबलेट बुखार हो तो खाना है, पैरासीटामोल के अलावा कोई मेडिसिन नहीं खाना क्या नहीं सर, नहीं, डेंगू क्योंकि अगर कंफर्म्ड है उसके हाँ अलावा कोई दवाई चलानी जितनी नहीं आप होगी। मेडिसिन ज़्यादा खाओगे और लिवर की इंजरी होगी, कोई और दिक्कत आएगी, प्लेटलेट कम होगी क्या नहीं, पेन किलर जो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अवॉइड ही करना चाहिए है पेन ना। किलर, हाँ और उसमें एक और चीज़ है, हम वार्निंग साइंस कहते हैं, जैसे जिस पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिशन की ज़रूरत है, ये पेशेंट को लगातार सिर दर्द होता है, डेंगू फीवर हमने कंफर्म किया है, पेशेंट को ये पेट के ऊपर राइट साइड में कोने में दर्द हो रहा है, या लगातार उल्टी आ रही है पेशेंट को, तो ये हाँ सारा डेंजर या वार्निंग साइंस कहते हैं, और इन पेशेंट में काम खराब होने की ज़्यादा चांसेस है, और इस पेशेंट को हमें ज़्यादा ध्यान देना है, या आई फ्लूड देना है, इसका बीपी रेगुलरली मॉनिटर करना, ये सारा चीज़ों में हम ध्यान देना होता है। बिल्कुल, उन चीज़ों में बिल्कुल सही बात है डॉक्टर साहब की, उन चीज़ों में ध्यान रखना है, जैसे पेशेंट का खाना पीना कम हो गया, उल्टी बार बार कर रहा है, जब कोई पेट दर्द हो रहा है, जहाँ उसका बुखार नहीं टूट रहा है 2-3 दिन से, सिर दर्द बहुत तेज़ हो रहा है, तो उसको ज़रूर आपने अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट कराना है, क्योंकि वो जो प्रॉब्लम है जो वो बढ़ती जाएगी तो हो सकता है हॉस्पिटल वाले भी उसको बचा ना पाए या वो इतने लेट हो गए। हाँ, इसमें एक्चुअली हाँ जब 100 आपका हाँ जो है डेथ होने के, डेथ रेयरली होता है, बट कोई भी बीमारी में 0% नहीं कह सकते, और हाँ आपके 2-3% में डेथ हो जाती है उसमें, और जिसको दूसरी बार या तीसरी बार डेंगू हो जाती है, तो इनमें ज़्यादा हमें जो देखे गए हैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस की रिस्क है। ठीक है ना, इसलिए आपने जरूर ध्यान रखना है डेंगू में, मतलब कि बुखार का जरूर ध्यान रखना, बिना वजह से आपने कोई मेडिसिन नहीं खानी, बिना वजह से आपने कोई टेस्ट नहीं कराना, जब प्रॉब्लम लगे तो जरूर टेस्ट कराओ, जब हो गया बुखार तो अच्छी जगह दिखा के उसको छोटे ट्रीटमेंट में भी कई बार ठीक हो जाता है, ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं, बस केयर करना बहुत ज़रूरी है क्या नहीं सर। ये हाँ मॉनिटर करना है मॉनिटर सबसे करना इम्पोर्टेंट सर। है, और जो वार्निंग साइंस के लिए ध्यान रखना होता हाँ है। थैंक यू, नमस्कार।